इस देश के युवा को ये हुआ क्या, कहीं ड्रिप है तो कोई एस्थेटिक बना हुआ, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप इस जेंजी पेंडेमिक को झेलता, हो गई बर्दाश्त अब इम्तिहान की, खत्म करे जेंजी लिंगो, सुने जहां पब्लिक प्लेस पे जेंजी हरकतें करना मना है, उल्लंघन करने पे होगा जुर्माना, एस्थेटिक का 14 ना बने ना बनने दे, जेंजी बनना पड़ेगा महंगा। हेलो सर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमारे फ्यूचर रिसर्च में काम आ सके। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जेंजी, जी हाँ जेंजी, ये रोग जो काफी तेजी से फैला हुआ है, जेंजी जिन्हें हम इंटरनेट की भाषा में बड़े ही प्यार से कहते हैं एसटीडी के 14, जी हाँ आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे लाचार बाप जिनका बेटा इसी रोग से पीड़ित है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी कि उनका बेटा इस रोग का शिकार कैसे हुआ। तो बताइए सर, आपका बेटा कैसे एस्थेटिक का शिकार होने लगा? अरे काय का एस्थेटिक, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मैंने सोचा था उसे पढ़ा लिखा कर नाम के आगे सीए लगाऊंगा, इंजीनियर लगाऊंगा, इन लोग ने क्या पता ये एस्थेटिक लगाना चालू कर दिया नाम के आगे। जब से इसने एस्थेटिक बनना चालू किया ना, तब से मेरी जिंदगी एकदम नरक बन गई है। शुरुआत तब हुई थी जब मैंने एक दिन मेरे बेटे को कबाट से मेरे कपड़े चोरी करते हुए पकड़ा। मेरे सामने वाली खिड़की में ओए, हाँ क्या कर रहा है मेरे कबाट में? कुछ नहीं, वो बस तू मेरी पैंट से पैसे चोरी कर रहा है। ए, नहीं पैसे नहीं पापा, सिर्फ आपकी पैंट। पैंट? मेरे को आपकी पैंट चाहिए थोड़ी, दो तीन, और ये दो तीन शर्ट चाहिए आपके। आपके कपड़े लूज होंगे ना, मेरे को वो बड़े बड़े। अबे लूज शर्ट तेरे को थोड़ी आएगी। डैड ओवरसाइज। अरे ओवरसाइज कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है अभी, फैशन, खर्चा कौन करेगा? सो आई वाज थिंकिंग कि आपके कपड़े पहन लूंगा, वो ऐसा लगेगा ओवरसाइज, वो ट्रेंड है ना मस्त। क्या बोल रहा है, क्या मालूम क्या पागल वागल हो गया क्या, फैशन के नाम पे कुछ भी फालतू जैसा करते रहते। क्या कहते ओवर, क्या कह, ओवरसाइज्ड स्ट्रीट फैशन। अरे काहे का स्ट्रीट फैशन, अपने साइज से 3 गुना बड़ा साइज का कपड़ा पहनना काहे का फैशन है? इतना लूज कपड़ा पहनते ऐसा लगता है कंकाल को कपड़ा पहना है, इतना लूज कपड़ा पहन के कहते हैं चेक माय फिट। अरे और हद तो तब हो गई जब एक दिन कैसा लग रहा हूं, कुपोषित। Daddy, you're so old, man. आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेंड है, फैशन है, कवर साइज। पैंट ऊपर कर। अरे लुकिंग। क्या हो गया आजकल के बच्चे लोग को क्या मालूम? अरे कपड़े तक तो ठीक था, कच्चे भी ओवरसाइज्ड पहनने लगे। अरे लूज लूज अंडरवेयर पहनने लगे। चलो ठीक है, चलो जाओ खुश रहो, जो पहनने है पहनो। इन लोग की बात करने का तरीका भी बदल गया है, इन लोग को पूरे वर्ड नहीं वापरने, अभी नया अल्फाबेट में बात करेंगे, W, L, उटुड, उटुड। कपड़े पहन के आया है, मेरा उटुड है। अरे वोकैबुलरी, उस दिन मेरा बेटा। Hey dad, I'm going for an interview. How's my fit? ये फिट कहाँ से लग रहे हैं? पांक। इतने लूज कपड़े पहने काहे का फिट? फिट मतलब इसको आउटफिट बोलते हैं, आई मीन अब समझोगे यार, कम ऑन। अब बाय द वे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ सो। क्या पैसे चाहिए? नो डैड। क्या चुटकी? डाडा। एक चुटकी सिंदूर? डैड इट्स हार्ट, सी द शेप, लव। अरे लव, लव ऐसा लव होता है क्या? क्या मालूम क्या हो गया। ठीक है जाओ इंटरव्यू क्लियर करके आना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। डैड चिल मारो यार, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा पूरा। नो कैप ब्रो। नो कैप? कैप तो पहनी है बेटा। डैड नो कैप का मतलब कि डोंट वरी, हो जाएगा, दैट्स व्हाट इट मींस। बेटा इतनी तो अंग्रेजी आती है, नो कैप मतलब कैप नहीं, कैप है, वही बता रहा हूँ। That's how we speak, that's a slang, it's Gen Z. क्या हो गया तुम लोग को, अरे कैसी भाषा वापरने लगे हो? Bye-bye. So Shyam, office hours will be from 10:30 to 7:30. I hope you're fine with that. 9 hours? That's such an L, sir. 9 damn hours. I can't even. You know what the timing should be from 2:30 to 3:30. Just an hour. That would be such a W. L W? क्या alphabet खेल रहा है भाई? You don't even know what W and L means.
You've got to be kidding me, sir. Are you from Baba Adam ka jamana? Sir, L is for loser. I mean, it's not good for you, for me. And W is win-win for you, for me, everyone. That's such a bummer, sir. Moving on from here, do you have any question for us? Yes, sir. I mean, I had a question for you. How about we shift the entire headquarters, jo bhi hamara office and everything, to Goa? I mean, Goa kitna pyara hai, sir. It's so aesthetic. Kya photos aayegi wahan pe? Full, agar aap portrait pe loge, to piche ka full blur ho jayega. You can, it's such amazing pictures, videos, stories on Instagram. Productivity, sir, kitni badh jayegi sabki. Tumne kya bola tha, Shyam? I can't even. Haan, I can't even hire you. Get out. घर में क्या लेके आया वो वेप? उस दिन वेप पकड़ा मैंने उसके जेब से. बोलता है पापा ये घर में पी सकते हैं, इसकी स्मेल नहीं आती. एक दिन मुझे कहने लगा मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट. तो एक दिन कहा पापा प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. वो ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन ऐसे अलग अलग वर्ड ले आते हैं हर महीने नए नए वर्ड. और इनकी ना चेकिंग खत्म नहीं होती. कभी वाइब चेक, कभी फिट चेक, कभी ड्रिप चेक, पता नहीं पूरे दिन चेक करता रहता है. कैनेडा जाना था हम लोग को, तो वीजा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए. तो मैं उसको स्टूडियो ले गया पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने. वहां भी जेंजी वाली हरकत है. ग्रीन स्क्रीन वाला नाइस सेटअप भैया. थैंक यू. तो पासपोर्ट साइज फोटो है, बहुत कॉम्पैक्ट फ्रेम है, तो ज्यादा हिलना मत. हाँ चलो. मुंह क्यों छुपा रहे हो बेटा? अरे ये शाम पासपोर्ट फोटो है क्या? ये स्टाइल क्या मार रहा है? मॉडलिंग चल रहा है. अच्छा सॉरी, ठीक है अभी करते. चलो रेडी. पासपोर्ट साइज फोटो है शाम, ऐसे सीधे खड़े रहे क्या कर रहा है? पोज तो दे ही सकते ना. पोज क्यों दे रहा है? मॉडलिंग चल रहा है क्या? सीधा खड़ा रहे. ठीक है डन. चलो. अरे अरे क्या कर रहा है भैया? आपने वो पोजेस के लिए मना किया. आई अग्री टू दैट, आई अग्री टू दैट, बट ऐसे हिलूंगा तो ही तो मेरा फोटो ब्लर आएगा. अरे ब्लर फोटोज आर सो एस्थेटिक, आई कैन नॉट इवन टेल यू. अरे पागल हो गया क्या? पासपोर्ट साइज फोटो खींच रहे. लाइक्स आते ना, दैट्स हाउ द फोटो गोज वायरल एंड द पर्सन गेट्स फेमस लाइक मी. क्या एंटीक बच्चा पैदा किया. सॉरी यार, तेरा ना बहुत नाटक बढ़ गया. सब ये जेन जी के नए नए तेरे चोचले चले. तू घर चल, तेरे को मैं ठीक करता हूं. घर चल. दैट्स हाउ यू क्लिक अ पिक्चर. मैं भी दूं ऐसे इंटरव्यू, ऐसे एस्थेटिक, ऐसे ऐसे एस्थेटिक इंटरव्यू दूं मैं भी. मैं भी ऐसे 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 हिलूं. हां फोटो के टाइम, वीडियो के टाइम ब्लर लेने के लिए. अरे हर चीज एस्थेटिक होनी जरूरी नहीं है भाई. चलो दिया जाओ, करो जो करना है फोटो में करो. अरे नंगापा मचा रखा है ये लोग ने. अरे चलो बेटा, कितना टाइम लेट हो गया, तैयार हुए कि नहीं? शाम शाम क्या कर रहा है? वीडियो क्यों निकाल रहा है कपड़े बदलने की? कुछ नहीं, वो एक्चुअली GRWM बना रहा था ना. आई वॉज गेटिंग रेडी. BMW सुना था बेटा, ये GRWM क्या होता है? Dad, come on, it's GRWM. It's get ready with me. तो जब भी हम लोग कपड़े निकालते हैं और डालते हैं ना, तो हम लोग उसका वीडियो बनाते हैं. क्या कपड़े बदलते बदलते कैमरा चालू रखते हो? Chill, come on. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आज तक सिर्फ गेट रेडी विद मी बनाया, तो हाउ अबाउट आई मेक गेट रेडी विद मी एंड डैड. आ जाओ, साथ में कपड़े निकालते, साथ में कपड़े पहनते और उसका वीडियो बनाते. आ जाओ नंगे होते. चुप, पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुम लोग को? क्या जेन जी का क्या भूत चढ़े है तुम लोग को? तेरे को ना ठीक करना पड़ेगा. इससे ज्यादा मैं देखूंगा नहीं, तो पूरी जनरेशन बिगाड़ के रखी है. देखो मैं ठीक करता हूँ, तू रुक. GRWM. अरे जनता के सामने कच्चे बनियान बदलना मेरे से और नहीं देखा जाएगा. मेरे को ये जेन जी का भूत उस माँ के बेटे से निकालना है. कुछ भी करो, मुझे बताओ कि जेंसी का भूत कैसे निकलेगा उससे. आपका केस तो काफी क्रिटिकल लग रहा है, पर आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो. हमारे जो एंटी जेंसी स्पेशलिस्ट है वो कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे, आप उनसे मिल लो. उन्होंने ऐसे बड़े बड़े जेंसी को ठीक कर दिया, आप उनसे मिल लो और आपका प्रॉब्लम आई गेस सॉल्व हो जाएगा. नमस्ते साहब, यही है वो मेरा जेंसी बेटा. ये है पेशेंट. वंस अगेन, पेशेंट विशन क्या होता है? आई एम नॉट अ पेशेंट. एज क्या है? आई एम 22. 2001 एज एक्सपेक्टेड. ब्लडी चेंजेस. दो साल, सिर्फ दो साल पहले कर देते ना तो ये जेंजी फीवर नहीं होता इनको. सर प्लीज कुछ करिए, मैं और नहीं रह सकता इसके साथ. अरे मेरे कपड़े चोरी करके पहनता है. ले मैं चेक यू गेरी सा से लो. अरे बाप रे, क्या हो गया डॉक्टर? ये जो जेंजी फीवर है ना, वो थर्ड स्टेज पे पहुंच गया है. Come on, man. आप ही कुछ कर सकते हो. कल के कल इसको मेरे जेंजी मुक्ति केंद्र में भेज देना. इसको तो मैं पर्सनली ट्रीट करूंगा. अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मैं भी एंटी जेंजियोलॉजिस्ट नहीं.
हाँ आप भर्ती कर लो. नो वेट वन सेकेंड, क्या एडमिट करने की बात हो रही है भाई? I'm all good. What's up? See you tomorrow. Dad, I'm telling you, मैं कुछ एडमिशन. चुप बैठ, आना पड़ेगा इधर. बेटा ये सब तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं. Dad, मैं एकदम सही हूँ. Dad, I'm telling you, मैं एकदम सही हूँ. मैं इसको कल छोड़ जाऊंगा. आप टेंशन मत लो. चल बेटा. तेरी सही नहीं है. I'm all, you should understand. No, Dad, wait, what? Let's go. No, this is. क्या हुआ यार, धक्का क्यों मार रहे हो आप? बहुत जेंजी का भूत चढ़ गया ना तेरे में. इट्स नॉट भूत, इट्स अ ट्रेंड. एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इट राइट नाउ. हां वही सब जो तुम बोलते हो, वो जो घुस गया ना तुम्हारे अंदर, वो निकालना पड़ेगा. ऐसा क्या करोगे आप? मास्टर जी नाप लो. क्या नाप लो? नाप लो नाप. अच्छा, गेटिंग मी अ न्यू टी-शर्ट है. ओवरसाइज्ड छाती है 34, चेस्ट 34. एक काम करो 40 लिखो, वो ओवरसाइज्ड में मजा आता है. 30 लिखना. 30 क्यों? फर्स्ट स्टेप, ओवरसाइज निकाल के अंडरसाइज पहनना पड़ेगा. नहीं ऐसा मत करो. Oversize, I cannot wear undersize. आंख बापो. No. 15. 17 नहीं, 11. 18 लिखो. अभी कमर बापो. नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ. 34 कमर है. 34. 28. 40. अभी इनकी जांगे बापो. 18. देखो देखो मेरे को पैंट ओवरसाइज रहने दो, पूरा लूज लूज. 18 का 25 कर. 14. 14. वो तो लेगिंग्स लगेगा. नहीं नहीं प्लीज, अंडरसाइज कपड़े चिपकाओ. चुप, अब से तो ऐसे ही कपड़े पहनेगा. मास्टर जी कपड़े सिलना चालू करो. नहीं मास्टर जी. क्यों अंदर क्यों भेजो मेरे को? बहुत शौक है ना तेरे को GRWM करने का. वो तो है. तो ये ले कपड़े चेंज करके बाहर आ. तो कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट गिव मी अ फोन एंड अ कैमरा. आई कैन आई वांट समवन टू गेट रेडी विद मी. आई कैन नॉट गेट रेडी अलोन. एग्जैक्टली, इसलिए विदाउट फोन विदाउट कैमरा कपड़े चेंज करेगा तू? किसकी जरूरत नहीं है. नहीं ऐसे GRWM नहीं कर सकता मैं. आई वांट यू आउट इन 40 सेकंड्स. नहीं अरे नो, प्लीज समबडी गेट रेडी विद मी. #GRWM गॉन रॉन्ग. What is this? बहुत शौक है ना तेरे को फोटो के टाइम पोजेस देने की, अलग अलग एस्थेटिक फोटो खींचने की. और वो नया क्या है? ब्लर वाला, ब्लर फोटो, ब्लर इफेक्ट. हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो ट्रेंड है ना. हाँ वही ट्रेंड सुधारना है. मतलब अब होगा तेरा फोटोशूट वो भी बिना हिले. अब देखता हूँ कैसे देता है पोजेस और कैसे खींचता है ब्लर फोटो. नहीं फोटो खींचकी. नहीं नहीं मेरे को पोजेस देने. पोजेस कैसे दूं मैं? मुझे हिलने दो. मैं ब्लर फोटो कैसे लूंगा? आओ 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 आओ. मेरा बेटा ठीक हो गया? अरे ठीक हो गया. उसका ऐसा भूत भगाया ना कि भूत आने का वापस शाम भी नहीं लेगा. अरे मेरा मतलब है नाम भी नहीं लेगा. बुलाओ मेरे बेटे को. अरे उस एक्स जेंजी को लेके आओ. टाइट कपड़े पहने? जी पापा. देख रहे होगे ना अपने बेटे को, सब जेंजी की हरकतें निकाल दी. 100% गारंटी है. डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, इसका जेंजी का भूत भाग गया. बेटा इज दिस योर ओटीडी? ओटीडी वो क्या होता है पापा? सर आपने कमाल कर दिया. बेटा आई कांट इवन. हाँ आगे तो बोलो. आई कांट इवन क्या पापा? इसे आई कांट इवन नहीं पता बेटा. क्या हुआ, पैसे चाहिए क्या आपको? चुटकी? अरे पापा इस उंगली से बजाते हैं ऐसा. बेटा वो ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप वो जो पानी टपकता है उसे ड्रिप कहते हैं ना. मेरा बेटा ठीक हो गया डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच डॉक्टर. और ऐसे जेंजी के केसेस दिखे ना तो प्लीज कॉमेंट्स में नाम बता देना. वो क्या नाम जाके उनको पकड़ लेंगे. एक सेकेंड ना. हेलो क्या 12 नंबर में जेंजी मिला है? ओ शिट अभी आता हूँ. एक इमरजेंसी कॉल है, आता हूँ मैं. लेके जाओ इसको. आ जाओ बेटा आ जाओ. देखना अभी बेटा ये जो कपड़े हैं इसे क्या कहते हैं?
आज का श्रृंगार हैशटैग ओटीडी नहीं आज का श्रृंगार। बेटा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता था। जो जेंजी का भूत था उसने मुझे पूरा चेंज कर दिया था। मैं अंदर से बहुत खोखला हो गया था, पर आई एम ग्लैड। मैं निशित डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आई एम अ चेंज्ड मैन नाउ। नाउ आई फील कम्प्लीटली फिट। वो वाला फिट नहीं, अंदर से आई फील फिट नाउ। और वाइब चेक जो मैं पहले बोला करता था, अभी मैं हेल्थ चेक बोलता हूँ। आई फील हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। आई एम चेंज्ड। थैंक यू सो मच पापा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर आपके आसपास भी किसी में जेंजी का भूत है ना, तो पकड़ो उसे और उसका इलाज करो। ये वीडियो शेयर करो उसको, उस जेंजी के भूत को भगाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फैला दो पूरे इंडिया में, ताकि ये जो जेंजी का भूत है ना, पूरे भारत से निकल जाए। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना हमारी चैनल को। अगले बार हम ऐसा कोई इलाज लाएँ ऐसी कोई बीमारी के लिए, तो आप तक पहुँचेगा। बेल आइकन भी दबाना है ना। मीनवाइल मैं जाता हूँ और जेंजी लोग को पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ। चलो बेटा चले। बच गैंग।